बर्तन से दूध बहाने लग गईयां, यमुना नदी तो लागे दूध की नदियां। जिन गायों में अडर टाइट कॉम्पैक्ट कसावा रहता है, उन गायों में सामान्यतः देखने में आता है कि उनको मस्टाइटिस यानी कि थनेला रोग होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। साथ ही पैरों के नीचे खुरों में आकर थन कटने की समस्या भी नहीं देखने को मिलती है। आज ऐसी शानदार देसी गोवंश जो राठी नस्ल की है वह आपको दिखा रहा हूँ। अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, साथ ही नज़दीक दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन भी ऐसे वीडियो की आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। आज जो गाय मैं आपको दिखा रहा हूँ यह शुद्ध रूप से राठी नस्ल है। इसमें बड़े साइज का हम्प है, भारी गलकंबल। गलकंबल काफ़ी सुंदर शेप्ड है और नाभि वेल शेप्ड। अडर क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है इस गाय की। अडर काफ़ी कॉम्पैक्ट अडर है, साइज में बड़ा है लेकिन ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इसलिए लटकता हुआ आपको प्रतीत नहीं होगा। चारों थन समान दूरी पर और समान साइज के हैं। चारों थन अलग अलग हैं और समान साइज के हैं, एक ही साइज के हैं चारों थन। गोल मुठिया थन है, काफ़ी सेहतमंद। साथ ही हाइट लेंथ काफ़ी ज़बरदस्त है इस गाय की। सुंदर घुमावदार सींग जो ऊपर की तरफ, छोटे सींग है लेकिन ऊपर की तरफ घूमे हुए हैं। गाय सेकेंड लैक्टेशन में है, अपने दूसरे ब्यांत के अंदर है और प्रेग्नेंट है। अभी ब्याने में इससे 5 से 7 दिन बचे हैं। इन दिनों में अडर और काफ़ी तेजी से विकसित होगा। यह गाय एक बड़े अडर साइज की डेवलप होगी क्योंकि इस गाय की दूध क्षमता भी 14 लीटर से अधिक की हमें लक्ष्मण जी ने बताई है, जो इस गाय को सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। इनका मोबाइल नंबर 9928809637, जो विलेज कमीनपुरा डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर मैंने स्क्रीन पर भी मेंशन किया है। आप इनको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके भी इस गाय को देख परख सकते हैं। खुद उपस्थित होकर इस गाय को देखेंगे तो आपके लिए यह एक अच्छी चॉइस होगी। इस गाय की कीमत लक्ष्मण जी ने 42,000 रुपीज डिमांड की है। प्राइस नेगोशिएबल है, इस कीमत में बार्गेनिंग हो या चाहे से आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में या चार्जेस के बारे में बात करना चाहें तो स्क्रीन पर मेंशन किए गए नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। आपको गाय कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।